आज के हमारे इस वीडियो का टॉपिक व्हाट इज सेंसर एंड टाइप्स ऑफ सेंसर, मतलब इस वीडियो के अंदर हम सेंसर क्या होता है और सेंसर के कितने प्रकार होते हैं यह जानेंगे। दोस्तों सेंसर के बारे में आप अच्छे समझ पाए इसके लिए मैं आपको प्रैक्टिकली कई सारी इमेजेस सेंसर की दिखा के उनके बारे में बताने की कोशिश करूंगा। दोस्तों वीडियो के स्टार्टिंग में हम सबसे पहले यह जान लेते हैं कि आखिरकार सेंसर होता क्या है। तो सेंसर के बारे में आप कुछ इस तरीके समझ सकते हो, वह हमारे किसी भी ऑब्जेक्ट के बारे में पूरी तरीके से जानकारी हमें दे देती है। अगर आप इसे उदाहरण समझे तो जैसे कि मान लीजिए ये एक हमारी ह्यूमन की बॉडी है। अब हमारी जो आंखें हैं इस आंखों से हमें पता चल जाता है कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट कितनी दूरी पे है, हमारी कोई भी वस्तु कितनी दूर हमसे पड़ी है। इसके अलावा हमारे जो कान है उस कान से हमें ये पता चल जाता है कि जो आसपास की आवाज है वो आवाज कितनी तेज आ रही कितनी धीरे आ रही है, मतलब कि हम आसपास की चीजों के बारे में उसकी पूरी जानकारी ले सकते हैं। तो हमारी जो आंखें हमारे कान हमारे हाथ इसी तरह की जितनी भी चीजें हैं ना ये सभी हमारे एक तरीके से सेंसर है। और दोस्तों जिस तरीके से हमारे शरीर के बॉडी के पार्ट हमारे शरीर के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसी तरह सेंसर भी हमारे सिस्टम को ऑटोमेटिक करने के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। अगर हम सेंसर के बारे में कुछ बेसिक सी बात करें कि आखिरकार सेंसर हमें हमारे ऑब्जेक्ट के बारे में क्या जानकारी देता है, तो इनकी मदद से हम आसानी से हमारे किसी भी ऑब्जेक्ट की हाइट, उसकी ऊंचाई, वह कितना दूर है, उसका टेम्परेचर कितना है, वो कितना गर्म है, इसके अलावा और भी कई सारी चीजें हम सेंसर की मदद से पता कर सकते हैं। तो दोस्तों अभी तक हमने इतनी देर में सेंसर क्या होता है इसे जान लिया है, लेकिन अब हम नेक्स्ट सेंसर के टाइप जान लेते हैं कि आखिरकार सेंसर कितने प्रकार के होते हैं। दोस्तों वैसे तो सेंसर के टाइप्स काफी ज्यादा होते हैं, आपको सेंसर मार्केट के अंदर हजार से भी ज्यादा टाइप के देखने को मिल सकते हैं, लेकिन अगर हम हमारी इंडस्ट्री के अंदर प्रैक्टिकल सेंसर के यूजेस की बात करें तो वहां पर मुख्य तौर पे 8 से 10 टाइप के ही सेंसर आपको ज्यादा देखने को मिलेंगे। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको एक और पॉइंट यहां बता देना चाहता हूं, आपने इंडस्ट्री के अंदर कई बार लिमिट स्विच का नाम जरूर सुना होगा। तो दोस्तों यह जो हमारे इस तरीके के लिमिट स्विच होते हैं ये लिमिट स्विच भी एक तरीके का सेंसर होता है, लेकिन हम प्रैक्टिकल इंडस्ट्री के अंदर इसे सेंसर के नाम से नहीं जानते। पर अगर आप इसके बारे में जब डिटेल में बात करेंगे तो आपको पता चलेगा लिमिट स्विच भी हमारा एक तरीके का सेंसर होता है, लेकिन जो लिमिट स्विच सेंसर होता है यह लिमिट स्विच सेंसर एक मैकेनिकल सेंसर है। लेकिन अभी आज के इस वीडियो के अंदर हम टोटल 7 से 8 टाइप के सेंसर के ऊपर बात करेंगे जो कि सभी हमारे इलेक्ट्रिकल सेंसर होंगे। इसमें दोस्तों हम सबसे पहले सेंसर बात करेंगे जो कि है टेम्परेचर सेंसर। आपने आपकी इंडस्ट्री के अंदर कुछ इस प्रकार के सेंसर कई बार देखे होंगे, यह हमारे सेंसर टेम्परेचर सेंसर है। अब आखिर इस सेंसर का काम क्या होता है, तो वह हमें डायरेक्ट इसके नाम से पता चल जाता है कि यह जो हमारे सेंसर होते हैं ये हमारी किसी भी चीज के टेम्परेचर मतलब कि तापमान को बताते हैं कि आखिर वह हमारा कितना गर्म है या फिर कितना ठंडा है। अगर दोस्तों आप इस टेम्परेचर सेंसर के प्रैक्टिकल यूज की बात करें तो आप कई बार आपके एसी फ्रिज इनके अंदर देख सकते हैं। एसी फ्रिज के अंदर हमारा क्या होता है, एसी हमें बताती है कि हमारे रूम का टेम्परेचर कितना है, तो हमारी एसी को जो हमारे रूम का टेम्परेचर पता चलता है वो हमारे टेम्परेचर सेंसर की ही मदद से पता चलता है। और अगर हम इस सेंसर की वर्किंग पे बात करें तो अभी के लिए आपको सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि हमारे टेम्परेचर सेंसर के अंदर एक डिवाइस का उपयोग लिया जाता है, उसे बोलते हैं हम थर्मिस्टर। और यह जो थर्मिस्टर होता है इस थर्मिस्टर की मदद से ही हम हमारे किसी भी जगह के टेम्परेचर को पता कर लेते हैं। अगर आपको टेम्परेचर सेंसर या फिर किसी भी सेंसर के बारे में डिटेल वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, मैं उसके ऊपर एक डिटेल वीडियो बना दूंगा। लेकिन अभी के लिए हम हमारे सेकंड सेंसर के ऊपर बात करते हैं जिसका इंडस्ट्री में काफी ज्यादा उपयोग लिया जाता है, जिसे हम इंफ्रारेड सेंसर बोलते हैं और कई सारी इंडस्ट्री में इसे IR सेंसर के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों अगर हम इस IR सेंसर के प्रैक्टिकल यूज की बात करें तो इस तरीके के सेंसर का उपयोग लिफ्ट जैसी चीजों में किया जाता है। अब आखिर ये सेंसर किस तरीके से काम करता है, तो ये काफी ज्यादा सिंपल है। इस एक सेंसर के अंदर मुख्य तौर से दो चीजें होती है। सबसे पहला एक हमारा ट्रांसमीटर होता है, यह ट्रांसमीटर अपने अंदर से रेडिएशन को बाहर भेजता है और यह रेडिएशन जब बाहर निकल जाती है उस रेडिएशन को वापस से हमारा ये दूसरा रिसीवर इसको कैच करने की कोशिश करता है। अब अगर इस कंडीशन के बीच में हमारी कोई भी वस्तु इस सेंसर के सामने आ जाती है तो उस केस में क्या होता है वो आप इस सेकंड चित्र से देख सकते हो। आपको दिख रहा है यहाँ पे हमने क्या किया, एक ऑब्जेक्ट को हमारे सेंसर के पास में रख दिया, तो इसके कारण क्या हुआ, हमारी रेडिएशन जो इस ट्रांसमीटर से निकली थी वो इस ऑब्जेक्ट से टकरा के वापस से रिफ्लेक्ट होती है, वापस से पीछे की साइड जाती है, और वापस से पीछे की साइड जाने पे ये जो हमारा सेकंड रिसीवर है ये रिसीवर उसे कैच कर लेता है और इसी की सहायता से हमें पता चल जाता है कि आखिरकार इस सेंसर के पास में कोई वस्तु है या फिर नहीं है। इसके बारे में दोस्तों हम हमारे आज के तीसरे सेंसर पे बात करते हैं जो कि इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा उपयोग होने वाला सेंसर है, जिसका नाम प्रॉक्सिमिटी सेंसर है। अब
दोस्तों आखिरकार इस प्रॉक्सिमिटी सेंसर का उपयोग क्यों किया जाता है, इसका मतलब क्या है? तो इसका उपयोग आप डायरेक्ट इसके नाम से ही पता कर सकते हो। अगर आप प्रॉक्सिमिटी का हिंदी में अनुवाद देखोगे तो इसका मतलब होता है पास होना। तो यह जो हमारे प्रॉक्सिमिटी सेंसर होते हैं जिसे इंडस्ट्री में उपयोग लिया जाता है, यह हमारे इस बात को बताते हैं कि इस सेंसर के पास में कोई ऑब्जेक्ट है या नहीं। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट इस सेंसर के पास में आ जाता है तो वह जानकारी हमें हमारे इस सेंसर से मिल जाती है। और दोस्तों अगर आप इंडस्ट्री के अंदर वर्क करते हैं तो आपने इस सेंसर के दो टाइप जरूर सुने होंगे, एक होता है पीएनपी टाइप सेंसर और एक होता है एनपीएन टाइप प्रॉक्सिमिटी सेंसर। तो यह जो पीएनपी और एनपीएन सेंसर है इसके ऊपर मैंने एक डिटेल्ड वीडियो बना रखा है, उसके अंदर मैंने आपको ये दोनों क्या होते हैं और इन दोनों के बीच में डिफरेंस भी बताया। अगर आप वह वीडियो देखना चाहते हो तो वह वीडियो आपको इसी वीडियो के एंड स्क्रीन में सेशन में मिल जाएगा, आप वहां से वीडियो आसानी से देख सकते हैं। इन सभी के बारे में दोस्तों नेक्स्ट हम हमारे अगले सेंसर बात करते हैं जो कि है हमारा प्रेशर सेंसर। अब दोस्तों आखिरकार ये प्रेशर सेंसर क्या है, इसे आप डायरेक्ट एक उदाहरण से समझ सकते हो। कई बार हम हमारी बाइक कार के अंदर हवा भराने जाते हैं तो जब हम हमारी गाड़ी के टायर में हवा भराते हैं तो उस समय हमारी गाड़ी के अंदर कितनी हवा है, उसका प्रेशर कितना है, वह सब चीजें हमारे इस प्रेशर सेंसर की मदद से ही हमें पता चलती है। इसके बाद में दोस्तों हम नेक्स्ट हमारे पांचवें सेंसर पे बात कर लेते हैं। यह फिफ्थ नंबर का सेंसर भी इंडस्ट्री में काफी ज्यादा उपयोग लिया जाता है जिसे हम लेवल सेंसर के नाम से जानते हैं। अब दोस्तों आखिरकार ये लेवल सेंसर क्या होता है और इसका क्या काम है वो सब आप डायरेक्ट इस एक इमेज से समझ सकते हैं। अभी आप देख रहे हैं कि इस इमेज के अंदर एक यहाँ पे पानी की टंकी है, इस पानी की टंकी के अंदर यहाँ पे एक सेंसर को डाल दिया गया है। अब इस सेंसर की मदद से हम इस बात को पता कर सकते हैं कि आखिरकार इस पानी की टंकी में हमारा कितना पानी भरा हुआ है, मतलब कि हमारी इस टंकी के अंदर पानी का कितना लेवल है वो लेवल हम पता कर सकते हैं। और वह किसकी मदद से पता कर रहे हैं, वह हम इस सेंसर की मदद से पता कर रहे हैं और इसी वजह से इस सेंसर को हम लेवल सेंसर कह के बुलाते हैं। इसके अलावा दोस्तों लेवल सेंसर का यूज आप और भी कई जगह देख सकते हो, जैसे कि अगर हमारी बाइक कार की बात करें तो हम हमारी बाइक और कार में जब पेट्रोल भराते हैं डीजल भराते हैं तो उसके बाद में हमें हमारे पेट्रोल के बारे में पता चल जाता है कि आखिर हमारे फ्यूल टैंक में कितना डीजल पेट्रोल है। तो वह जो हमारी टंकी का लेवल हमें पता चलता है वह हमारे लेवल सेंसर की हेल्प से हमें पता चलता है। इसके बारे में दोस्तों नेक्स्ट हम हमारे छठे नंबर सेंसर पे बात करते हैं जो कि है गैस एंड स्मोक सेंसर। अब आखिरकार यह सेंसर क्या होता है और इसका क्या काम है, तो वह डायरेक्ट हम इसके नाम से ही पता कर सकते हैं। इस सेंसर की मदद से हम हमारी गैस के बारे में पता कर सकते हैं कि आखिरकार हमारे वातावरण में कौन सी गैस कितनी मात्रा के अंदर है। यह गैस सेंसर हाइड्रोजन, कार्बन, पेट्रोलियम, मीथेन, एल्कोहल, इस प्रकार की सभी गैसों को आसानी से सेंस कर लेते हैं। इसके अलावा दोस्तों आपने कई बार देखा होगा कई जगह ऐसी होती है जो नॉन स्मोकिंग एरिया होती है, मतलब कि उस जगह जाके कोई भी सिगरेट इन सब चीजों को सेवन नहीं कर सकता है। तो ऐसी जगह पर और भी ज्यादा टाइट सिक्योरिटी रखने के लिए वहां पर MQ2 सेंसर का उपयोग कर लिया जाता है। तो अभी सेंसर के लग जाने के बाद में अगर कोई इस नॉन स्मोकिंग एरिया में सिगरेट आदि का सेवन करता है तो वह चीज हमें डायरेक्ट MQ2 सेंसर या फिर गैस सेंसर की मदद से आसानी से पता चल जाती है। इसके बाद में दोस्तों हमारा एक नेक्स्ट सेंसर आता है जो कि है अल्ट्रासोनिक सेंसर। इस सेंसर के मुख्य तौर से दो उपयोग होते हैं। सबसे पहली चीज तो इस सेंसर की मदद से हम हमारी किसी भी वस्तु की उपस्थिति को पता करते हैं कि आखिरकार हमारी कोई भी ऑब्जेक्ट इस जगह है या फिर नहीं है। और सेकंड चीज अल्ट्रासोनिक सेंसर का सबसे ज्यादा उपयोग किया जाता है वह किया जाता है इस वस्तु की दूरी पता करने में कि आखिरकार यह जो ऑब्जेक्ट है, यह जो डब्बा है, बॉक्स है, यह हमसे आखिर कितनी दूरी पर है। अब आखिर यह अल्ट्रासोनिक सेंसर काम कैसे करता है, तो ये काफी ज्यादा सिंपल सी चीज है। इसमें मुख्य तौर से दो चीजें होती है, नंबर वन हमारा ट्रांसमीटर होता है और सेकंड हमारा रिसीवर होता है। अब जब इस सेंसर को ऑन कर दिया जाता है तो हमारे ट्रांसमीटर से हमारी कुछ फ्रीक्वेंसी बाहर की साइड निकलती है। अब यह जो फ्रीक्वेंसी है यह हमारे सामने लगे ऑब्जेक्ट से टकरा के वापस से हमारे रिसीवर के पास में आ जाती है। अब दोस्तों यहां पर क्वेश्चन यह आएगा कि आखिरकार इसी बीच में हमारा अल्ट्रासोनिक सेंसर कैसे हमारे इस ऑब्जेक्ट की दूरी को पता कर रहा है। यह जो इस ऑब्जेक्ट की दूरी को पता करता है वह पता करता है कि आखिरकार हमारे ट्रांसमीटर से जो फ्रीक्वेंसी निकली थी यह फ्रीक्वेंसी हमारे ऑब्जेक्ट से टकरा के वापस से कितनी देर के बाद में हमारे रिसीवर के पास में आई है। तो यह जो टोटल टाइम होता है फ्रीक्वेंसी का टकरा के वापस से रिसीवर के पास आना, उसी टाइम को हमारे अल्ट्रासोनिक सेंसर का प्रोसेसर सेंस करता है और उसके बाद रिजल्ट में हमें हमारे ऑब्जेक्ट की दूरी को, डिस्टेंस को बता देता है।
तो दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर हमने मुख्य तौर पे सेंसर क्या होता है और इलेक्ट्रिकल सेंसर के मुख्य 7 टाइप के बारे में जाना है। उम्मीद है कि आपको इस वीडियो के माध्यम से कहीं ना कहीं कुछ बेहतर जानकारी मिली होगी। आपको ये वीडियो कैसा लगा इस वीडियो को लाइक करके जरूर बताएं। अगर आपका कोई भी सवाल इस वीडियो के ऊपर चाहे इलेक्ट्रिकल जुड़ा आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। इलेक्ट्रिकल जुड़ा आप इन्हें पसंद करते हैं आज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।